ये कैसा सपना था नाथ? क्या वो शिशु हनुमान थे? किंतु मुरली मनोहर वर की अप्सरा बानर को कैसे जन्म दे सकती है? उसका नाम तो पुंजिकस्थला था स्वामी, परंतु स्वप्न वाली स्त्री को तो अंजना पुकारा जा रहा था। पुंजिकस्थला स्वप्न में अपना भविष्य देख रही थी। उसे पवन पुत्र हनुमान की माता बनने के लिए अंजना नामक वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा, एक श्राप के कारण। किंतु पुंजिकस्थला तो भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, वो श्राप के भागी कैसे हो गई? और श्राप दिया भी तो किसने और क्यों? इस जगत में सौभाग्य या दुर्भाग्य, श्राप या वरदान, कुछ भी अकारण नहीं होता। पुंजिकस्थला को एक महान दायित्व दिया गया था, उसके लिए उसे श्राप की देहरी पर पांव रखना ही पड़ा। पुंजिकस्थला की जैसी श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में थी, वैसी ही देवगुरु बृहस्पति में भी। तदा ही उनकी सेवा सत्कार में लगी रहती। एक बार गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसने एक रुद्राक्ष माला बनाई। गुरुदेव, ये भेंट स्वीकार कीजिए। ये कैसी अनुपम माला है पुंजिकस्थला? पुत्रवती भव। गुरुदेव, ये कैसा आशीर्वाद दे दिया आपने? मैं स्वयं चकित हूं पुत्री कि मेरे मुख से ऐसा वचन किस कारण निकला। निश्चित ही ये देवी प्रेरणा से ऐसा हुआ है। किंतु गुरुदेव, मैं तो अप्सरा हूं और अप्सराएं कभी मां नहीं बनती। ये मैं नहीं जानता कि मेरे मुख से ये आशीर्वाद क्यों निकला, किंतु ये असंभव ही नहीं है। तुम भी भगवान शंकर, जगत जननी माता पार्वती के आशीर्वाद से एक पुत्र की माता बनोगी। तुम्हारा पुत्र परम ज्ञानी महाबली, सर्वगुण संपन्न अजय और अभय होगा। तीनों लोकों में उसके यश और कीर्ति की गाथा गाई जाएगी। इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। कुछ दिन बीत गए। पुंजिकस्थला स्वर्ग के अपने जीवन में इस घटना को भूलने सी लगी थी। फिर एक दिन पुंजिकस्थला अपनी सखियों के साथ गगन विहार करते हुए पृथ्वी की ओर जा निकली। संसार स्वर्ग के ऐश्वर्य और विलास के स्वप्न देखता है, हमसे ईर्ष्या करता है, किंतु पृथ्वी की सुंदरता की कोई तुलना नहीं। यहां हर पल एक नया दृश्य, नया रंग, एक नया भाव। अच्छा अरे, ये क्या हुआ? ये यान क्यों रुक गया? हे यान, अगर आगे नहीं बढ़ सकते
तो हमें नीचे ले चलो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वो वानर आकृति देखकर, मुनीवर मैंने आपकी तपस्या भंग की है। मुझे नहीं पता था कि भीतर आप हैं। मिट्टी की वांबी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तुझ में ही है वानर जैसी चंचलता। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। किंतु प्रभु, पुंजिकस्थला तो बहुत ही शांत स्वभाव की अप्सरा थी, उसके मन में इतनी चंचलता कैसे उत्पन्न हो गई? चंचलता आई नहीं, पुंजिकस्थला के मन को चंचल कर दिया गया। किसने कर दिया प्रभु? मेरी योग माया, जिसे लोग महामाया या पराशक्ति भी कहते हैं। किंतु योग माया ने ऐसा क्यों किया प्राणनाथ? जब जब संसार में मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तब तब योग माया मनुष्यों के मन को विचलित कर देती है। मत्स्य गंधा को देखकर यदि महर्षि पराशर का मन विचलित ना होता तो महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हो पाता? और यदि महर्षि वेदव्यास का जन्म ना हो पाता तो द्वापर में वेदों का उद्धार करके उनका विभाजन कौन करता? महाभारत और श्रीमद् भगवत की रचना कौन करता?
वो भी तो मेरा ही एक अवतार है। इसी प्रकार माता कैकेयी, वो तो श्री राम को भरत के समान ही प्रेम करती थी। यदि उनका मन विचलित ना होता तो श्री राम को वनवास कैसे मिलता, और यदि श्री राम वन को ना जाते तो ना सीता हरण होता और ना ही रावण का वध हो पाता। इसलिए हनुमान के जन्म की स्थितियां बनाने के लिए पराशक्ति ने ही देव गुरु बृहस्पति के मुख से पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया और तपस्या कर रहे मुनि के मुख से ऐसा श्राप दे डाला। मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतने वर्षों तक मौन रहने के पश्चात मेरी वाणी से जो वचन निकले वो मिथ्या नहीं हो सकते। मैं चाहकर भी इसे वापस नहीं ले सकता। इसमें न कुछ दोष तुम्हारा है और न कुछ मेरा, भगवान की प्रेरणा से ही ऐसा हुआ है। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग को लौट सकोगी। ठीक ही तो है, पुंजिकस्थला जैसी शिव भक्त, गुरु भक्त और नृत्य संगीत विशारदी हनुमान की जननी हो सकती थी। हाँ, तभी तो पुंजिकस्थला के ये सारे सद्गुण हनुमान को भी प्राप्त हुए। तो क्या हनुमान की संगीत में भी सिद्धि है? राम भक्त हनुमान जब गाते हैं तो वो अपनी शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते हैं। हनुमान जब गाते हैं तो वो हनुमान नहीं रहते, स्वयं गीत हो जाते हैं। उनके गायन से जुड़ा एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। सुनाइए ना मुरलीधर। हनुमान की संगीत प्रतिभा की बातें जब देव गंधर्व नारद ने सुनी तो उन्होंने हनुमान को गायन प्रतियोगिता की चुनौती दे डाली। देव मुनि नारद तो संगीत शास्त्र के महापंडित हैं और उनके आगे तो गंधर्व भी कहीं नहीं ठहरते। तो फिर क्या हुआ स्वामी, कौन जीता? धीरज रखो प्रियतमा। नारायण नारायण। और जब मैंने गायन आरंभ किया तो मेनका, रंभा और उर्वशी स्वयं को रोक ना सकी। सारी अप्सराएं एक साथ महादेव, क्या दृश्य था! पूरा इंद्रलोक तेरे संगीत से झूम उठा था। आप भी वहां होते तो बड़ा आनंद आता। उस भोग विलास के संसार में मेरे जैसे विरागी का क्या काम देव? किंतु भाग्य से आप यहां चले आए। आज आप कैलाश को अपने सुर में रंग दें तो कैसा रहे? आप तो जानते ही हैं महादेव कि मैं तो हर पल जब ब्रह्म में लीन रहता हूं, पर स्वर्ग लोक जैसी दिव्य संगत भी तो होनी चाहिए, तब आनंद आएगा। यदि ऐसा है तो राम दूत हनुमान को बुला लेते हैं। आप ही की तरह वे भी भगवान के अनन्य भक्त हैं और उत्तम कोटि के संगीतज्ञ भी। हनुमान संगीतज्ञ? वो तो थोड़ा बहुत खड़ताल मंजीरा बजा लेते हैं, इससे अधिक तो कुछ और नहीं। नहीं नारद, बजरंगबली बड़े मर्मज्ञ हैं। वो जब गाते हैं तो कुछ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कि आप उन्हें इतना ही बड़ा गायक मानते हैं कि वो मेरे साथ संगत कर सके तो बुला लीजिए उन्हें।
आज कैलाश में मेरी और उनकी प्रतियोगिता हो ही जाए। अवश्य देवर्षि। परम प्रिय हनुमान, जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भुजंग भूषण भगवान शशि शेखर और जगत जननी माता भवानी के चरणों में राम भक्त हनुमान का प्रणाम। सदा रहो रघुपति के दासा। प्रणाम मुनिवर। प्रिय आंजनेय, आज कैलाश आपके संगीत को सुनना चाहता है, आपके गीतों को गुनना चाहता है। देखिए संगीत शिरोमणि नारद जी भी यहां पर, वे भी आपके साथ सुर मिलाने के इच्छुक हैं। कहां नारद जी का गीत संगीत, भगवान नटराज और कहां मैं। संगीत के नाम पर तो बस कुछ खड़ताल मंजीरा खड़का लेता हूं, वह गीत के नाम पे केवल अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता हूं। उसी रस के तो हम भी प्यासे हैं हनुमान। गाइए भक्त शिरोमणि। जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.